जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे भारत में केवल दो ही चीज फेमस है, एक तो यूपी का टोरा और दूसरा तुम्हारा भाई चटोरा। तो आज ही चटोरा इंजीनियर लेके आया है आपके लिए गाजियाबाद की वन ऑफ द बेस्ट टिक्की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं चोपला मंदिर की स्ट्रीट मार्केट में हाथरस टिक्की वालों के यहाँ। यहाँ पर हाथरस के नाम से 8-10 स्टॉल है, लेकिन जैसा कि खोज करने के बाद हमें पता लगा है कि भैया की ही बेस्ट टिक्की है। और पीछे आप देख पा रहे होंगे स्टॉल लगा हुआ है। अभी रात के समय लगभग 9:15 बज रहे हैं और आज हम आए हैं आपके लिए लेके गाजियाबाद की बहुत ही मशहूर टिक्की। तो बिना किसी देरी के व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आइए लास्ट तक बने रहना, व्लॉग बहुत ही टेस्टी चटपटा और धमाकेदार होने वाला है, आइए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम आए हैं चोपला मंदिर की मार्केट में स्पेशल गाजियाबाद की टिक्की खाने। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर हाथरस टिक्की वाले बहुत है, एक स्टॉल हो रहा और 4-5 स्टॉल ये रहे। लेकिन यहाँ के लोगों से हमने पता करा है, सबसे जो अच्छी टिक्की है वो इन भैया की है, जो हाथरस टिक्की वाले हैं ये। तो चलते हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं और बताते हैं कितने साल से लगा रहे हैं और क्यों ऐसा क्या रहा था जो पूरी मार्केट में केवल सबसे फेमस है, ये लोग इनकी टिक्की के दीवाने हैं। तो गाइस आ गए हम हाथरस वालों के यहाँ, करते हैं भैया से बात। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताओ। और कब से लगा रहे हैं आप हमारी ऑडियंस को, बताइए कुछ अपने बारे में। पापा जी, हमारे पापा जी खड़े होते थे यहाँ पे, गुड्डू भाई हाथरस वालों के नाम से मशहूर हैं हम जी। गुड्डू भाई हाथरसी, पापा जी की फोटो लग रही है, पापा एक्सपायर हो गए 8-9 महीने पहले, 2022 में 28 नवंबर को। गुड्डू हाथरसी के नाम से मशहूर है, 32 साल हो गए मैं लगाते हुए ठेली जी। वो यहाँ पे 5-6 स्टॉल थे, मैंने अभी बताया भी लोगों को, तो मैंने लोगों से पता करा, उन्होंने बताया कि सबसे फेमस और अच्छी टिक्की भैया के हाथ की है। तो हमने सोचा कि वो भैया से बात करते हैं, मुलाकात करके अपनी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। पिछले कितने सालों से लगा रहे हैं आप? 33 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब 30-32 साल हो गए। हाँ, 30-32 साल हो गए लगा। पहले आपके पिताजी लगा रहे थे और पहले पापा लगा। मैं लगा रहा हूँ। ये आपके भैया? ये मेरे भैया हैं बड़े। किस टाइम पे आते हैं आप? हम शाम को 4:30 बजे लगाते हैं खिली जी, और जब तक माल बच जाए। मंगलवार को परमानेंट होते हैं यहाँ पे 2 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। अच्छा, मंगलवार को 2 बजे आ जाते हैं, वैसे 4 बजे। हाँ, और बाकी दिन तुम्हारा दिल्ली गेट पर आलोक मित्तल डॉक्टर है हड्डियों का जी, उसके सामने खड़े होते हैं 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक यहाँ पे, वहाँ पे, और 7:30 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे तक यहाँ पे, 11-12 बजे। अच्छा, जिनकी अच्छी ड्यूटी है वो टिक्की खा के जाते हैं आपकी? यानी हड्डियों के डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, उनकी दुकान के सामने खड़े होते हैं हम। अच्छा, और डॉक्टर साहब कुछ कमीशन लेते हैं आपसे? कुछ नहीं। तो आप लेते हो? नहीं, वो रहती कि उन्होंने जगह दे रखी है लगाने के लिए। अच्छा, तो यार ये तो मजाक की बात है। और टिक्की की कॉस्ट क्या है? टिक्की की प्लेट है 40 रुपए की प्लेट है। अच्छा, डबल? हाँ जी। सिंगल लेनी है किसी को? सिंगल टिकट 25 की है। अच्छा, 25 की है। तो एक पत्ता हमारा लगाइए, बताते हैं अपनी ऑडियंस को क्या टेस्ट है आपका। बिल्कुल सर, एक प्लेट इनकी करा दी। तो टिक्की हमारी देसी घी से रहती है कि रिफाइंड से? नहीं जी, वनस्पति 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 डालडा की। अच्छा, एक बार हमारी ऑडियंस को यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। गाजियाबाद चोपला मंदिर, चोपला मंदिर मशहूर है, पीछे बाबा का द्वार है, चोपला मंदिर घंटाघर, गुड्डू भाई हाथरस टिक्की वाले, चोपला मंदिर मेन मार्केट में, बिल्कुल गाजियाबाद की सबसे पुरानी मार्केट है जी। तो जैसा कि भैया ने बताया, भैया गुड्डू भाई हाथरस वाले के नाम से काफी फेमस है भैया की शॉप, और पीछे हमारा चोपला मंदिर है हनुमान जी का। तो ये मार्केट पूरे चोपला मंदिर के नाम से ही फेमस है। तो आप आए, इनकी टिक्की का जायका उठाए, गाजियाबाद में सबसे मशहूर टिक्की है। बाकी हम आपको अब रेसिपी दिखाते हैं, बिना किसी तरीके आप टेस्ट हो जाते हैं। तो गाइस, अभी तक तो हमने टिक्की अपनी खाई नहीं है क्योंकि भीड़ इतनी है, बैक टू बैक ऑर्डर जा रहे हैं, जो हमसे पहले आ रखे हैं वो टिक्की का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन अंकल जी थे, अंकल जी में खा के निकल ही रहे थे, तो हमने अंकल जी को फटाफट पकड़ा और पहुँचाते हैं आप तक ऑनेस्ट रिव्यू अपने खाने से पहले। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। तो आप कब से आ रहे हैं? 10-12 साल हो गई है जी। हर मंगलवार को टिक्की खा के जाता हूँ, प्लस पैक भी करा के लेके जाता हूँ। अच्छा, घर वालों के लिए? मतलब के लिए। बहुत अच्छा स्वाद है जी। टिक्की वाले तो काफी बैठे हुए हैं जी, मगर इससे अच्छी टिक्की नहीं बना पाता। वही मैंने लोगों से पूछा था, वही बता रहे थे गुड्डू जी काफी फेमस है। मैंने देखा 5-6 हाथरस के नाम से काफी नाम है, हाथरस के नाम के ही कई ठेले लगे हुए हैं जी, मगर इसकी टिक्की बहुत ही बढ़िया। इसके पिताजी बनाते थे, इस साल उनकी डेथ हो गई है जी। बहुत ही बढ़िया टिक्की, बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की है इनकी। तो जो पिताजी के हाथ में जादू, वही वही है, सेम है।
और आपने बताया आप 10 से 12 साल से आ रहे हैं, तो आज 10 साल पहले टेस्ट हुआ वही टेस्ट है आज भी। अच्छा, तो अभी तो 40 रुपए की है, लेकिन 10 साल पहले कितने की? 15 रुपए की। जब 15 रुपए की दो, पंद्रह का पत्ता, वो ये समय के साथ साथ चीजें महंगी हुई तो भैया को भी पैसे बढ़ाने पड़े, लेकिन पैसे बढ़ाने के साथ साथ भैया ने टेस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ाया ऐसा हमारे भाऊजी बता रहे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे वो यहाँ पे आकर इनकी टिक्की का आनंद उठाए? बिल्कुल बिल्कुल, आइए भाई साहब, बहुत अच्छा टेस्ट है जी। तो गाइज हम भी रिकमेंड करते हैं और अंकल जी भी कह रहे हैं, आप लोग आना और टेस्ट करके जरूर बताना। बाकी एक बार अंकल जी बताते हैं, एक बार यहाँ पे हमारी ऑडियंस को एड्रेस बता दीजिए। यहाँ ये है चोपला मंदिर जी, और बनवारी लाल के सामने जी, बनवारी लाल है घड़ी वाले जी, उनके सामने है जो। ठीक है, तो गाइस पीछे बनवारी लाल घड़ी वाले हैं और सामने वाले गुड्डू भैया जी हाथरस वाले हैं। बाकी आप वीडियो में शक्ल मिलाना और भैया की टिक्की का आनंद उठाना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। ये आलू की टिक्की है, करारी कर दी है बिल्कुल, कोका करारी बिल्कुल होती है हमारी टिक्की। और ये मटर होती है, ये मटर होती है बिल्कुल बढ़िया करारी हुई भी मटर। तो भैया सारे सामान एकदम फ्रेश है बिल्कुल ताजा। ये हरी चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, ये हरी चटनी है, ये ग्रीन चटनी है, ये धनिये और मिर्च की बनती है जी। ठीक है जी, ये सौंठ है जी, गुड़ चीनी की बनती है शुद्ध सौंठ इसे ही कहते हैं। ये दही है प्योर असली दही। ये चाट मसाला नमक डाल दिया है और ये हमारा स्वादिष्ट टिक्की का पत्ता लग के तैयार हो गया है गुड्डू भैया के हाथ का। तो गाइस डिलीशियस चटपटी, ये काफी लजीज लग रही है, इसको देख के मतलब मुंह में बहुत पानी आ रहा है और एक खाने का समय भी हो रहा है, लगभग 9 बज रहे हैं। तो एक बार आनंद उठाते हैं इस टिक्की का, बहुत ही चटपटी और कुरकुरी लग रही है। भैया जब बना रहे थे काफी अच्छी क्रिस्प साउंड आ रही है। गाइस इस टिक्की का स्वाद अगर कोई AI की ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक आई होती ना, मैं दिखाता नहीं, आप तक स्वाद ही लेके आ जाता। ये आपके थ्रू इस सिस्टम के थ्रू आप तक स्वाद पहुंचा देता, क्योंकि बहुत ही अल्टीमेट और डिलीशियस है ये जो बाइट है ना। मतलब लगभग बचपन से ही मैं भी खाता आ रहा हूँ, बहुत टाइम से 65 साल से मुझे ये हो गया और भैया ने बताया पिछले 32 साल से ही लगा रहे हैं। बहुत अल्टीमेट। तो आप लोग भी आना और स्पेशल गुड्डू भैया के हाथ की टिक्की जरूर ट्राई करना। तो अब मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो दिखाने की बजाय स्वाद में आप तक पहुंचाऊंगा और मैं फटाफट इस टिक्की के पत्ते को फिनिश करता हूं और लेके आता हूं आपके लिए फिर से एक नया और चटपटा ब्लॉग। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड देखते रहिए चटोरा इंजीनियर। जय श्री राम दोस्तों।